हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी एग्री एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आज आप सभी के लिए। वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन इंडिया टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की अपडेट्स और उनकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग काफी कुछ चीजें आप सभी के साथ इन फ्यूचर शेयर की जाने वाली हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बच्चों बात करेंगे इंडिया में होने वाले सारे एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, और इन सारे एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलर आप सभी को मिलती रहेगी। ठीक है, हम आप सभी को साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे किस किस यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ चुके हैं या और किस किस स्टेट के बच्चे कौन कौन से स्टेट के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल दोनों एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, आप सभी को बता दूं कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पे आप सभी के साथ जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, सबकी अपडेट, फॉर्म कब आएगा, कैसे फिलअप करना है, हर एक अपडेट को मैं टाइम से पहले आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अपने इंडिया के नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में फॉर एग्रीकल्चर। ये बीएससी एग्री, एमएससी एग्री और एसआरएफ पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पे बात करेंगे आईसीआर और सीयूटी दो कोर्स के बारे में। ठीक है, देखो पहले आईसीआर एनटीए एग्जाम लेती थी और सीयूटी एग्जामिनेशन को भी लास्ट ईयर से एनटीए ने लेना स्टार्ट किया था, लेकिन फिलहाल इन दोनों यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को एक साथ मर्ज करके सीयूटी यूजी के नाम से कराई जा रही है। बाकी पीजी के लिए ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि जो आपका सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन होता है वो एनटीए ही कराएगी फॉर एमएससी कोर्सेस फॉर पीजी कोर्सेस। ठीक है, आईसीआर में आप सभी के पास बहुत सारे कोर्सेज का ऑप्शन होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन होता है, जिसमें आप सभी को यूजी के लिए 20% सीटों पर एडमिशन मिलता है एंड पीजी के लिए 30% सीटों पर एडमिशन मिलता है। बाकी सीयूटी में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, विश्व भारती होगी, नागालैंड यूनिवर्सिटी होगी। फिलहाल आईसीआर यूजी को बच्चों सीयूटी यूजी के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो आप सभी लोग सीयूटी का फॉर्म अप्लाई करके आईसीआर को भी एड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टेट वाइज बात करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट स्टेट की एग्जामिनेशन की बात करेंगे और फॉर्म रिलीज हो चुके हैं कि नहीं इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो यूपी से हैं तो यूपी कैटेट के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। देखिए, मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो भी फॉर्म आएगा, जिस भी एग्रीकल्चर कंबाइंड एग्जामिनेशन की अपडेट पब्लिक की जाएगी ऑफिशियल, वो अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद सेकंड सबसे पहले आप सभी को इसी YouTube चैनल पे मिलेगी। आप सभी लोग शायद मेरे से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, मैंने YouTube पे अपने चैनल पे हर एक अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया, रिकॉर्ड आप सभी लोग लाइव आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो उसी तरह सेम चीजें आपको यहां भी, आपका कंटेंट सेंसिटिव बनी रहेगी। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं यूपी कैटेट के बारे में। बच्चों यूपी कैटेट का एग्जाम उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, ये हर साल कराया जाता है। फिलहाल 2023 सेशन के लिए इसके फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं, मेनली चार यूनिवर्सिटी यहां पे है। ठीक है, कौन कौन सी, ANDUT अयोध्या, BUAT बांदा, CSA कानपुर, इसके अलावा आपका मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, SBPUT मेरठ में। ठीक है, यूपी कैडेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी लोग upcadet.org जाके देख सकते हो, फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म फिलअप कर लो जाके। सेकंड बात करते हैं बिहार के बच्चों के लिए बीसीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो बच्चे बिहार से वो बीसीएससी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये आप सभी का बिहार में जो भी अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन के लिए बीसीएससी के थ्रू आप सभी का एडमिशन मिलता है। 80% सीटों पे, 80% से ज्यादा सीटों पे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आप सभी का बीसीएससी के थ्रू एडमिशन होता है। जो भी बच्चे बिहार से हैं वो जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अभी फिलहाल फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म आते तक आप सभी को इन्फॉर्मेशन बच्चों मिल जाएगी। तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी हमारी एग्जामिनेशन है MPPAT, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो भी बच्चे हैं JNKV जबलपुर और RVSKV ग्वालियर, इन दो यूनिवर्सिटीज और इनके सब कैंपस में एडमिशन के लिए आप सभी का व्यापम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कराता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों को पेड सीट ऑफर की जाती है। तो अगर आप सभी लोग का ड्रीम है मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आप सभी लोग MPPAT का एग्जामिनेशन दे सकते हो। फिलहाल MPPAT के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं किए गए हैं, जैसे ही फॉर्म रिलीज किया जाएगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे
मिल जाएगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजी पैट के बारे में। सीजी पैट स्पेशली हेल्ड फॉर IGKV, IGKV सिचुएटेड इन रायपुर, और सीजी पैट छत्तीसगढ़ में जो अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी सीजी पैट का एग्जामिनेशन कराती है। पेड सीट के लिए अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। सीजी पैट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, कंडक्टेड टू ऑफर मेनी एग्रीकल्चर कोर्सेस एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर एलियॉट कोर्सेस। आप सभी को एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक कोर्सेस में एडमिशन के लिए सीजी पैट के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप लोग सीजी पैट का फॉर्म अप्लाई करते। तो फॉर्म कब आएगा, एग्जामिनेशन कब होगा, सारी अपडेट आपको इन फ्यूचर चैनल पर मिलने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, अनअकैडमी एग्री एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आप सभी के प्रिपरेशन के लिए, आप सभी के एग्जामिनेशन अपडेट के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लोग राजस्थान के जेट प्री पीजी के बारे में। राजस्थान में हर साल आप सभी का जेट एग्जामिनेशन हेल्ड कराया जाता है स्टेट लेवल पे, और इसमें राजस्थान के बच्चे एलिजिबल हैं। राजस्थान में बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, आपका MPUAT हो गया, ठीक है, उदयपुर में SKNRU हो गया, जोबनेर में, इसके अलावा आप सभी बता दूं हमारा श्री कर्ण नरेंद्र देव जोबनेर में ये भी है, और बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर कोटा में है, ठीक है, और हमारा जोधपुर में भी है। इन सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए आप सभी को जेट का प्री पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें कि आप सभी को एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलियार्ड कोर्स ऑफर किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो फॉर्म आ चुके हैं जेट के, इसकी लास्ट डेट आप सभी को बता दूं अप्रैल में है, तो फॉर्म आप लोग मार्च के महीने में फिलअप कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप हमारे साथ यहाँ पे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड के लिए। झारखंड के बच्चों के लिए JCC का एग्जामिनेशन होता है, झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। हर साल ये एग्जाम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के लिए कराई जाती है, और अभी तक इसके फॉर्म रिलीज नहीं किए गए हैं, ठीक है। ऑफिशियली इसका फॉर्म जब भी आएगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। झारखंड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड हर साल इसका एग्जामिनेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म रिलीज करके कराती है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे ओडिशा स्टेट के लिए। तो जो भी बच्चे अगर ओडिशा से वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए OUAT भुवनेश्वर में अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती है फॉर OUAT एडमिशन प्रोसेस। OUAT एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज शॉर्ट फॉर्म ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेस्ट, ठीक है। तो ओडिशा में जो भी एग्रीकल्चर का टेस्ट होता है वो आप सभी का OUAT के अंडर में होता है। तो OUAT का फॉर्म जब भी आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन चैनल पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम KCET, कर्नाटका कंबाइंड एग्रीकल्चर टेस्ट, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये कर्नाटका के लिए, जो बच्चे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका में बहुत सारे इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर, ये भी कर्नाटका में सिचुएटेड है, जिनके 80% सीटों के लिए आप सभी को KCET का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है KEA, ये हर साल एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज कराती है। फॉर्म अभी तक ऑफिशियल रिलीज नहीं किए गए, जब भी फॉर्म रिलीज किया जाएगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे चैनल के थ्रू। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे MCAER, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड MHCET, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जामिनेशन महाराष्ट्र के जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, वो चाहे हमारा VNM के भी परभनी में हो, MP के भी राहुरी में हो, और BSKV हमारा दपोली में हो, या फिर हमारा PD के भी अकोला में हो, तो जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमारे महाराष्ट्र स्टेट में हैं, ठीक है, उन सभी के लिए MHCET एग्जामिनेशन होता है। फॉर्म अभी तक नहीं आया है, फॉर्म जब भी आएगा, देखो मैं क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये फॉर्म जब भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट के बाद सेकेंड आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियल मिलेगा। तो यार फटाफट देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लो, भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कोई भी दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम को, एंड इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसको भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों MHCET एग्जाम महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए होता है, आप सभी लोग इस अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टी सेट जो एग्जाम है वो PG के लिए डॉक्टर YS हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी सोलन में हर साल कराई जाती है, ठीक है, और ये एग्जामिनेशन BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर एडमिशन के लिए कराई जाती है, और ये आपका 4 साल का कोर्स ऑफर करती है। बाकी चीजें आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे एएयू वेट के बारे में। देखो ये स्पेशली वेटरी के लिए एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पे एएयू में एडमिशन आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी होता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए भी होता है। तो आप सभी का जो वेट का एग्जामिनेशन होता है, ये आप सभी के वेटनरी कोर्सेज के साथ साथ एग्रीकल्चर कोर्सेज को भी ऑफर की करती है, ठीक है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, सॉरी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट असम में, ठीक है। तो ये एग्जाम हर साल असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से कराई जाती है। यहाँ पे केवल और केवल नॉर्थ स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, आप सभी लोग एलिजिबल नहीं हो। जो बच्चे नॉर्थ स्टेट सेवन सिस्टर स्टेट के हैं, उनको ये फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे APEMCET आंध्र के बच्चों के लिए, आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आंध्र प्रदेश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है या फिर फार्मेसी कॉलेज है, इन सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए आंध्र प्रदेश में अपना स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये आप सभी का स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ऑन आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज कराती है। उसमें आप सभी को एनजी रंगा, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अपना ये नंबर रखती है, रैंक रखती है, पोजीशन रखता है, जिसमें आप सभी को एडमिशन मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीम के बारे में। कीम किसको नहीं पता है, द कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर केरला, दैट्स वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। यहाँ पे केवल और केवल साउथ इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। स्पेशली ये एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर फार्मेसी मेडिकल और मेडिकल एलियार्ड के साथ साथ एग्रीकल्चर एलियार्ड कोर्सेज के लिए कराई जाती है। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे आप सभी को केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ऑफर किया जाता है, जिसके लिए आप कीम का फॉर्म अप्लाई करके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिपुरा जेई के बारे में। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ ज्वाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली ये एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए कराई जाती है, लेकिन त्रिपुरा में जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, उनके लिए भी इस एडमिशन के इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो ये आप सभी को ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जामिनेशन कराई जाती है। बाकी यहाँ पे बच्चों आप सभी को बता दूं, पीजी के लिए भी एग्जामिनेशन कराई जाती है। तो ये आप लोग फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। हालांकि त्रिपुरा जेई के लिए केवल नॉर्थ स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, जो हमारा सेवन सिस्टर स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वहीं के बच्चे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे TSEMCET। अभी आपको पता होगा तेलंगाना का जो कॉलेज हमारा प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये पॉपुलर एग्जामिनेशन है आप सभी के साउथ इंडियन के बच्चों के लिए। बाकी अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं है। कभी कभी हर साल अगर सीट खाली रह जाती है तो आप सभी को पेड सीट ऑफर की जाती है। तो जो भी आगे इंपॉर्टेंट पेड सीट रेगुलर सीट पे इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो एग्जामिनेशन है ये आपके लिए यूजी कोर्स ऑफर करती है बीएससी एग्रीकल्चर और उसके एलियार्ड कोर्सेज को, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एंड इसके अलावा जो भी इसके सब कैंपस है वहां पे इसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब स्टेट के बच्चों के लिए, PAUCET एग्जामिनेशन। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमनली नोन एज पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। हर साल ये एग्जामिनेशन जून महीने में कराया जाता है। अभी फॉर्म रिलीज नहीं किए गए हैं और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप सभी को PAUCET का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को यूजी पीजी पीएचडी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। हालांकि ये एग्जाम स्पेशली पंजाब के बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चों अगर आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे कुछ पेड सीटें भी होती हैं, तो पेड सीटों पे यहाँ पे आप सभी अदर स्टेट वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकती हैं। तो पेड सीट की एक एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप सभी को इस चैनल पे इन फ्यूचर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाकी हम लोग कुछ और यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड के लिए आपका GVPUT का एग्जाम, ठीक है, फॉर्म इसके आ चुके हैं। अदर स्टेट के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर पेड सीट। नेक्स्ट हमारा है चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में, ये स्पेशली हरियाणा के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट हमारा BC के भी, UP के भी, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए। उसके अलावा AAU असम, वहीं AAU वेट के थ्रू आप दे सकते हो। बाकी कुछ ICER के प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जिनमें अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है कहीं भी किसी ICER के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, देन आप इन सारे इंस्टीट्यूट को प्रीफर कर सकते हो। सॉट्स इलाहाबाद, सैट शिक्षा अनुसंधान ओडिशा में, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है बच्चों। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बता दी है और इन सब की बारी है अब एप्लीकेशन फॉर्म की।
तो सारी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को एक एक करके आपको हमारे चैनल के थ्रू अनअकैडमी एग्री एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग रेगुलर आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो फटाफट आप सभी को क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड इसके अलावा कोई दिक्कत आ रही हो तो आप सभी के लिए अनअकैडमी ला चुका है आईसीआर और सीयूटी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, ये चैनल लॉन्च किया जा चुका है, जाइए आप सभी लोग। फिलहाल आप सभी को आगे इन फ्यूचर जल्द ही वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जैसे ही किसी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की अपडेट आती है या फिर किसी भी स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की अपडेट आती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।